हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी टू स्टिच। आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन जो आप स्लीव पे, ट्राउज़र पे या फिर नेक लाइन पे कहीं पे भी बना सकते हैं। उसके लिए हमने स्क्वायर शेप के इस तरह से बुकरम के पीस काट लेने हैं। 4.5 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए और 4.5 इंच उसकी चौड़ाई लेनी है आपने, ठीक है। बिल्कुल स्क्वायर शेप के इस तरह से बुकरम के पीसेस कट करके उनको सेंटर से ट्राई एंगल की शेप में आपने फोल्ड कर लेना है। आपने इनको डबल फोल्ड करना है। उसके बाद 1 इंच का आपने गैप रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पर जितनी चौड़ी आपको स्क्वायर की पट्टी जो है वो फैब्रिक वाली शो करवानी है, आप उससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच इसकी मेजरमेंट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम इसको ट्राइंगल को कट कर लेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी चीज़ों का जो है वो समझ आ जाएगी। इस तरह से आपने इसका स्क्वायर शेप कट कर लेना है। यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए रेडी कर रही हूँ, दो पहले रेडी कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए इस तरह से फोल्ड करना है और अंदर से भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए बाकी फैब्रिक कट कर लेना है और कॉर्नर में हल्के हल्के से आपने कट लगाने हैं। कट आपने बिल्कुल बुकरम के पास तक नहीं लेके जाना, एक जो है वो सूत्र का आपने तकरीबन इसका फासला रखना है, ठीक है, वरना फोल्ड करते हुए धागे जो है वो फिर बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आपने सेंटर में निशान लगा लेना है स्लीव्स के, शर्ट के, जहाँ पर भी आप अटैच करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपने इसकी नोक जो है वो एडजस्ट कर देनी है और आपने इस शेप में कुछ इसको स्टिच करना स्टार्ट कर देना है। आयरन की मदद से आप पहले से अगर इसको फोल्ड कर लेंगे तो बिगनर्स के लिए ज़रा इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको साथ साथ ऐसे ही फोल्ड करके कवर करती जा रही हूँ। अपनी नोक का ध्यान रखना है, इस तरह से दोनों कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से फैब्रिक फोल्ड करते जाएंगे और इस स्क्वायर के ऊपर बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पे, स्लीव्स पे या फिर नेक लाइन पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों स्लीव्स पे और फ्रंट नेक लाइन पे इस तरह से बना रही हूँ। अब हमने अंदर वाली जो है वो स्क्वायर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए और किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजीली बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और इसके किनारे पे बिल्कुल एक नीट सी सिलाई लगा लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दिया करें। इस तरह से आपने एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं उनको साथ साथ ही कट कर लेना है। जो दूसरा स्क्वायर है उसको भी हमने सेम इसी शेप में रखना है। नोक पे उसके हमने एक पिन अटैच कर लेनी है ताकि नोक जो है वो ईज़िली हम स्टिच करते हुए एडजस्ट ना करनी पड़े, और उसको भी सेम उसी मेथड से आपने स्टिच कर लेना है। अंदर वाली सिलाई भी लगा देनी है और बाहर वाली सिलाई भी फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस तरह से लगा देनी है। जब आप कॉर्नर पे आते हैं तो आपने अपने नीडल का जो सिरा होता है, किनारा होता है, उसको फैब्रिक के अंदर ही एडजस्ट करना होता है। इस तरह से आपको ईजीली नोक बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप फैशन पट्टी, लेस वगैरह कुछ भी अटैच करते हैं तो जब आपने अपनी सिलाई फिनिश करनी होती है तो उस वक्त आपने सुई के किनारे को कपड़े के अंदर ही पेस्ट रहने देना होता है, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे और नीचे जो है वो टसल्स से ही मैंने रेडीमेड लिए थे बाज़ार से, तो आप इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से अटैच कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी पर्ल वगैरह का भी जो है बटन, बीड्स, कुछ भी जो भी आप पसंद करते हैं वो वाला लटकन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मिरर भी यूज़ कर सकते हैं आप इस पट्टी के ऊपर ऊपर, जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से इसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप आपको छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये दोनों स्लीव्स पे भी बनाया है मैंने और फ्रंट नेक पे भी बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।